जहाँ पोस्ट कोविड के बाद अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, उसमें अलग अलग फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक वाइट येलो आदि देखने को मिल रहे थे। अब वहाँ एक मध्य प्रदेश में एक नया केस सामने आया है, जिसमें पहला केस ग्रीन फंगल इन्फेक्शन देखने को मिला। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन फंगल इन्फेक्शन बाकी फंगल इन्फेक्शन से किस प्रकार अलग है, इसके क्या लक्षण है और एक से किस तरह से बचा जा सकता है। जहाँ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को कई राज्य महामारी घोषित कर चुके हैं, वहीं अब बात करें ग्रीन फंगल इन्फेक्शन की, तो इसे साइंस भाषा में एस्परगिलोसिस कहा जाता है और आम बोलचाल भाषा में इसे ग्रीन फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा असर फेफड़ों में ही होता है, यानी कि फेफड़ों को सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है। इसमें फेफड़ों में बहुत ही तेज़ी से मवाद बढ़ने लगता है, यानी कि म्यूकस इतना तेज़ी से बढ़ता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, और चूंकि मवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो सांस हमारे फेफड़ों तक पहुँच ही नहीं पाता। एक ही रीज़न यही होता है फंगल इन्फेक्शन में, जब हमें सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू होती है, हफनी होती है, या फिर हमारी यानी किसी की भी मृत्यु हो जाती है जिन्हें भी फंगल इन्फेक्शन हो, क्योंकि सांस बॉडी तक पहुँच ही नहीं पाता। सेम्स के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि दोषी का कहना है कि जो मरीज पहला पाया गया है वो एक्चुअली में आया था ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का टेस्ट करवाने कोविड के बाद रिकवर हो गया, पर उसमें ग्रीन फंगल इन्फेक्शन के लक्षण देखे गए। बात करें इसके लक्षण की, तो डॉक्टर रवि दोषी के अनुसार फंगल इन्फेक्शन के जो भी लक्षण होते हैं वे तो सभी इसमें है ही। इसमें एक्स्ट्रा अगर आपको यानी कि अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो खास करके आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। नाक से खून बहना, तेज़ी से वजन गिरना, तेज बुखार, कमजोरी या थकान लगना ग्रीन फंगल इन्फेक्शन के लक्षण हैं। साथ ही साथ जो भी कोविड के प्रॉब्लम्स हैं, कोविड के लक्षण हैं वो तो है ही। अगर बात करें ग्रीन फंगल इन्फेक्शन को रोकने की, यानी कि कैसे बचा सकता है फंगल इन्फेक्शन से, तो डॉक्टर के अनुसार ग्रीन फंगल इन्फेक्शन में अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, यानी रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसके बारे में अभी तक सही सही जानकारी नहीं उपलब्ध है। बाकी फंगल इन्फेक्शन जो कि कई बार देखे जा चुके हैं और भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, पर ग्रीन फंगल इन्फेक्शन के बारे में सही से जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर बात करें ग्रीन फंगल इन्फेक्शन से बचने के तरीकों के बारे में, तो ये बाकी फंगल इन्फेक्शन की तरह ही है, तो इससे भी उसी तरह से बचा सकता है जिस तरह से फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम उपाय यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर के अनुसार फंगल इन्फेक्शन होने का एकमात्र रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न होता है धूल मट्टी गंदगी, यानी कि ज़्यादातर धूल मट्टी गंदगी के संपर्क में आते हैं या नमी वाले स्थानों में आते हैं तो आपको ग्रीन फंगल इन्फेक्शन या फिर किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि धूल मट्टी स्थानों से दूर रहें, जहाँ नमी हो, जहाँ ज़्यादा जल भराव हो, गड्ढे हो, कीड़े मकड़े हो, यानी कि जल भराव अगर होती हैं तो उसमें कुछ कीटाणु आ ही जाते हैं, तो उस तरह की गंदगी से दूर रहें। साथ ही साथ अगर आप मट्टी में से धूल मट्टी से होके आ रहे हैं तो अपने बॉडी को अच्छी तरह से साफ़ करें, खास करके साबुन से, बीच बीच में दिन भर में साबुन से और पानी से अच्छी तरीके से हाथ पैर को साफ करते रहें। बिना किसी कारण के आँख नाक मुंह आदि को गंदे हाथों से टच तो बिल्कुल भी ना करें, और ज़रूरत हो यानी कि अगर धूल मट्टी वाले स्थानों में जा रहे हो तो N95 मास्क जरूर लगाएं। तो इससे बचने का वही वही तरीका है जो भी आप किसी भी प्रकार के फेफड़ों से संक्रमित किसी बीमारी में, अस्थमा, दमा, टीबी या फिर किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए कर सकते हैं। ऐसे पोषक तत्वों का या पोषक सब्जियों का इस्तेमाल करें जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अगर मजबूत रहेगी तो किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन का कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ असर कम करता है या फिर बिल्कुल नहीं करता है। अगर बात करें कि किन्हें है सबसे ज़्यादा खतरा, तो ग्रीन फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को है जिनकी बॉडी यानी ऑर्गन अभी अभी ट्रांसप्लांट हुए हो, या वो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हो, या फिर किडनी से जुड़ी उन्हें कोई बीमारियाँ हो, या फिर जो भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या फिर कोरोना से ग्रसित होकर ठीक हुए हो, उन्हें भी ये सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। वैसे कैंसर के पेशेंट जिन्हें कीमोथेरेपी चल रही है तो उन्हें भी हो सकता है इस तरह का खतरा, क्योंकि जो भारी डोज की दवाइयाँ लेते हैं तो उनमें इम्यून सिस्टम अपने आप कमज़ोर होता जाता है और उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती कि वो कोई भी बीमारी से लड़ सके। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। पर डॉक्टरों का कहना है कि अगर ग्रीन फंगल इन्फेक्शन के साथ निमोनिया भी हो जाए, यानी कि किसी को अगर कोई भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो और साथ ही साथ वो निमोनिया के संपर्क में आ जाए, तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है।